सज गया है विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। जानिए मेले में इस बार क्या क्या है नया और खास। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार की राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजन होता है। ये मेला ना केवल बिहार बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध है और इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। सोनपुर मेला जो कार्तिक महीने में शुरू होता है, हर साल लाखों पर्यटकों और पशुपालकों को आकर्षित करता है। इस बार भी सोनपुर मेले की शुरुआत हो चुकी है। सोनपुर का क्षेत्र मोक्षदायिनी गंगा और नारायणी यानी गंडक नदियों के संगम पर स्थित है और ये बिहार के सारण तथा वैशाली जिलों की सीमा पर पड़ता है। इस इलाके का धार्मिक महत्व बहुत पुराना है और यहाँ के मेले को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार यह स्थल गजेंद्र मोक्ष स्थल के रूप में भी जाना जाता है। सोनपुर मेले का मुख्य आकर्षण यहाँ बिकने वाले पशु होते हैं। यहाँ सुई से लेकर हाथी तक की बिक्री होती है। एक समय था जब ये मेला अपनी विविधता और विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इस मेले में कई तरह के पशु जैसे ऊंट, घोड़े, गाय, बकरी, भैंस आदि बिक्री के लिए आते थे। एक समय में तो यहाँ राजा महाराजाओं का भी हुजूम लगता था। इसके अलावा यहाँ पशुपालकों, व्यापारी वर्ग और पर्यटकों का जमावड़ा होता है जो मेले का हिस्सा बनते हैं। मेला एक महीने तक चलता है और इस दौरान हर दिन हजारों लोग आते हैं। हर बार सोनपुर मेले में कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो चर्चा और आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इस बार भी बनारस से लाए गए एक मुर्रा नस्ल का भैंस विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इसकी कीमत 2,05,00,000 रुपए है और ये विशेष प्रकार के आहार जैसे संतरा, गेहूं और मसूर के दाने खाता है। साथ ही रोजाना बियर भी पीता है। इस भैंस के बारे में कहा जाता है कि इसकी बियर पीने की आदत के कारण इसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और इसके द्वारा गर्भ धारण करवाए जाने वाले भैंसों का बच्चा उच्च गुणवत्ता का होता है। हालांकि मेले में बियर पर प्रतिबंध होने के कारण अब ये भैंसा थोड़ा सुस्त नजर आने लगा है। भैंस के मालिक रामजतन यादव के पास दो और भैंसे हैं जो 20 से 24 लीटर तक दूध देती है। इन भैंसों की कीमत भी बहुत ज़्यादा है और ये मुर्रा नस्ल की होने के कारण खास पहचान रखती है। इनके सिंग विशेष रूप से रिंग के आकार में होते हैं जो इनकी विशेषता को और भी बढ़ा देते हैं। सोनपुर मेला का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है यहाँ स्थित माँ वैष्णो देवी का मंदिर। इस मंदिर को जम्मू के कटरा से प्रेरित होकर बनाया गया है और इसे चिड़िया बाजार के पास पहाड़ी की सीढ़ियों को चढ़ते हुए पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 55,00,000 रुपए खर्च हुए हैं और इसे बनाने में एक महीने से भी ज्यादा समय लगा है। यहाँ आने वाले भक्तों को 115 फीट की ऊंचाई तक यात्रा करनी होती है। इस गुफा में 5 धर्मों के दर्शन भी किए जा सकते हैं और दर्शन के लिए 50 रुपए के टिकट व्यवस्था की गई है। सोनपुर मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी कायम है। एक बार फिर से अनोखे भैंस व माँ वैष्णो देवी मंदिर के कारण सोनपुर मेला आकर्षण का केंद्र और चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में ये मेला पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहां लोग न केवल पशुओं को देख सकते हैं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं। इस मेले में भाग लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और ये मेला हर साल अपनी विशेषताओं के कारण चर्चा का विषय बनता है। सोनपुर मेला अब एक सांस्कृतिक संगम बन चुका है जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्थाओं को एक साथ प्रस्तुत करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप भी सोनपुर मेला घूमने आ रहे हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।